लाइसेंस प्लीज। मैं प्रोफेसर नजरुल हसन, एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। मेरे बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मेरी बीवी का अभी फोन था, मुझे फौरन घर पहुंचना है। प्रोफेसर साहब, वो फोन मैंने ही तुम्हारी बीवी से करवाया था, जो अब हमारे कब्जे में है। और ये पुलिस हमारी है और ये गाड़ियां भी हमारी हैं। अगर खैरियत चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम लोग? प्रोफेसर, जीना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। हमारे देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी के तीन सबसे बड़े वैज्ञानिकों का दिन दहाड़े अपहरण हो जाना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारे लिए एक चुनौती। इस चुनौती का हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और जल्द से जल्द यह पता करना पड़ेगा कि इस अपहरण के पीछे किसका हाथ है। विजय रेड्डी, प्रोफेसर नजरुल हसन और प्रोफेसर रंगास्वामी, हिंदुस्तान के मशहूर वैज्ञानिक। मेरी बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में उतार लो। मैं हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने यहां पर मिसाइल बनाने का प्लान तैयार किया है और वो मिसाइल तुम्हें बनाने होंगे। तुम्हारा नाम जो भी हो मैं जानना नहीं चाहता, मगर एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। हम अपनी जान दे सकते हैं मगर देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात है तो फिर जान ही दे दो। अब आपका क्या ख्याल है प्रोफेसर नजरुल हसन? मौत का खौफ दिखाकर तुम हमें खरीद नहीं सकते। मैं इस मुल्क का एक जिम्मेदार साइंटिस्ट हूं और एक सच्चा मुसलमान भी। गद्दारी हमारे खून में नहीं है। ठीक है, तो फिर लिख देते हैं शहीदों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तुम जो कुछ भी कहो मैं करूंगा। तुम सिर्फ हमारे लिए मिसाइल्स बनाओगे। मैं मिसाइल्स तो बना सकता हूं लेकिन उसके फ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कौन जानता है उसके बारे में? प्रोफेसर खुराना, जो इन दिनों लेटेस्ट मिसाइल फ्यूज टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए फ्रांस गए हुए हैं। उनके अलावा इस देश के किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम मिसाइल्स बनाने का काम शुरू कर दो। डॉक्टर खुराना की वापसी का इंतजार मैं करूंगा। बर्बादी बर्बादी और बर्बादी। जिस देश में ऊपर से नीचे तक लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, उस देश का भविष्य बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है? जिन गधों को एक साथ मिलकर रहना भी नहीं आता,
उनको आपस में लड़ाकर तोड़ देना ही बेहतर होगा। मेरा नाम प्रलयनाथ गुंडास्वामी है। आने वाली 15 अगस्त को इस देश में मैं ऐसा प्रलय लाऊंगा कि आजाद हिंदुस्तान को गुलाम बनाना एक चींटी मारने के बराबर होगा। और गुलामी का मतलब है हमारा हुकूमत, और इसीलिए तो हम इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक और लेटेस्ट हथियारों की पूरी स्टीमर लेकर आए हैं, जिससे कि आप इस देश में आतंक ही आतंक फैला सके। थैंक यू मिस्टर टॉम। और उन हथियारों और खतरनाक बॉम्बों को हमारे सारे राज्य में फैलाने के लिए हमारे ये एजेंट भी मौजूद है जो बहुत खतरनाक है, क्यों डैडी? हाँ बेटे, कर देते हैं 2-3 महीने में पूरे हिंदुस्तान में नए हथियारों का हंगामा। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी बाकी है। आपकी तारीफ। पुलिस ऑफिसर सत्यवादी दुबे, मगर यह सिर्फ नाम का ही सत्यवादी है, इसका काम तो बस पूछो ही मत। यू समझो कि पगार सरकार की खाता है लेकिन काम हमारा करता है, वो भी पूरी वफादारी के साथ। फिर क्या प्रॉब्लम है मिस्टर सत्यवादी दुबे? सर मेन प्रॉब्लम है DIG रुद्र प्रताप चौहान, उसके होते हुए हमारा कोई भी काम मुमकिन नहीं। नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम रुद्र प्रताप चौहान है वागले। मेरे जीते जी प्रलयनाथ का कोई भी काम होना इम्पॉसिबल है। तुम खबरी लाल को इतला कर दो, उनकी हर चाल पर कड़ी से कड़ी नजर रखे। DIG साहब, दुश्मन के साथ साथ अपनी सेहत पे भी जरा कड़ी नजर रखिए। नाश्ता तैयार है, कल की तरह भूल मत जाना जो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चल दिए थे। अरे मैं भूल गया तो क्या हुआ, तुम तो नहीं भूलती ना। अरे तुमने तो ऑफिस में नाश्ता भेज दिया था। अरे भाई हमारे साहिबजादे कहाँ हैं? 2-3 दिन से दिखाई नहीं देते। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है। अरे भाई पढ़ाई तो हमने भी की लेकिन ऐसी पढ़ाई कभी नहीं देखी, न खाने का होश न पीने का। उसको आपकी तरह पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है, उसे बनना है पायलट, और पायलट बनने के लिए पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है, ऑफिसर यूं ही बन जाते हैं, यही कहना चाह रही है ना? अभी जाकर देखता हूँ आपके साहबजादे पायलट साहब कैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। ए कैप्टन, ए मेरे पायलट। अरे उठ। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सन, ये भी कोई तरीका है बेटे? ऐसी पढ़ाई तो हमारे साथ पुश्तों ने कभी नहीं की। यही तो हम भी इसे कई बार समझा चुके अंकल, क्या आखिर पढ़ाई की भी कोई हद होती है? नहीं यार, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अरे पायलट तो मेरे अंकल मरूम सलीम खान, वल जहांगीर खान, वल अकबर खान भी बने थे, मगर पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान दूसरी चीजों में रहता था। अब आप ही बताइए अंकल, आप एक DIG हैं, क्या आपने भी पढ़ाई के अलावा? मेरा मतलब, देखो बेटे पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है लेकिन सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। उठो नाश्ता करो, चलो बाय। लोग समझे मिस्टर किताबी कीड़े। अरे संजू, किताबों की ये बोरिंग दुनिया को छोड़ और हमारे साथ रोमांस की रंगीन दुनिया में चल। पिक्चर की टिकटें लाया हूं यार, और वो भी श्रीदेवी की सेक्सी फिल्म। बाथरूम के 2-2 सीन है यार, मजा आ जाएगा। अबे श्रीदेवी की हो या माधुरी की, सेक्सी या सोशल, मुझे कोई फिल्म देखनी नहीं है। चलना यार, चलना यार। अरे मैं कहता हूँ सुबह सुबह मेरा, चलो ना खुद पढ़ते ना मुझे पढ़ने देते। सेक्सी फिल्म देखेंगे, पढ़ाई करियो सेक्सी फिल्म देखो। हेलो संजू बाबू, मैं संध्या जी का नौकर राम लखन बोल रहा हूँ। संजू बाबू, संध्या जी बेहोश हो गई हैं। क्या? हाँ, और उन्हें अग्रवाल नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। अग्रवाल नर्सिंग होम? तो जरा हुआ है क्या, बता
पड़ गया मैं तो सोच में, सुनता हूँ मेरे प्यार के चर्चे फैले तीनों लोक में। ओए बाबा मेरी जान बचा दे। शबनम को चुन गए तेरी याद की, शबनम को चुन कर मैं जीता हूँ मौसम बन गए। ओए बाबा उसे मुझको मिला दे, मैं हूँ जिसकी खोज में, कल वो सावन जैसा आया पर जाऊंगी कुछ रोज में। ओए बाबा मेरी जान बचा दे। मेरा चैन गया ओ मेरी नींद गई, ओ मेरा चैन गया ओ मेरी नींद गई, मेरे जीने की उम्मीद गई, मुझे तेरे सिवा कुछ याद नहीं, कब होली हुई कब ईद गई। ओए बाबा मेरी तन मन टूटे, पहली नजर की चोट में, साल वो सावन जैसा आया पर जाऊंगी कुछ रोज में। मेरी जान बचा दे। मैं न जीता हूँ न मरता हूँ, मैं न जीता हूँ न मरता हूँ, बस ठंडी आहें भरता हूँ। सौ ख्वाब है मेरे उस आंचल की ओट में, सुनता हूँ मेरे प्यार के चर्चे फैले तीनों लोक में। ओए बाबा मेरी जान बचा दे, फंस गई दिल के रोग में। ओए मौला मेरे मुझको बचा दे, पड़ गया मैं तो सोच में, फंस गई दिल के रोग में, पड़ गया मैं तो सोच में। संध्या कहां गई थी? अरे मैं पूछ रहा हूं कहां गई थी? अरे बोलती क्यों नहीं? ओहो इतना चिल्ला क्यों रहे हो?
भूल गए आज सोमवार है, बेचारी का मौन व्रत है, मंदिर गई थी पूजा करने। आपका बस चले तो आप तो उसे भगवान के दर्शन भी ना करने दें। अच्छा जा बेटी, जा तू अंदर जाकर आराम कर, जा। अरे अरे क्या हुआ बेटी? मम्मी मम्मी वो चूहा। बोली 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 बोली, देखा टूट गया तुम्हारी लाडली बेटी का सोमवार का मौन व्रत। अब मैं अपना मौन व्रत तोड़कर इसके संडे के मौन व्रत की प्रेम कहानी तुम्हें सुनाऊं। प्रेम कहानी? जानती हो इसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कितना बड़ा ड्रामा किया। ड्रामा? जी हाँ ड्रामा। अग्रवाल नर्सिंग होम में बेहोशी का नाटक करके भर्ती हो गई और वहां के स्टाफ को पैसे खिलाकर अपने दोस्तों को बुलाकर नाच गाना किया। पूछो अपनी लाडली। अरे है? इसे शादी की हथकड़ी बनानी पड़ेगी। सर खबरीलाल आपसे मिलना चाहता है। अंदर भेजो उसे। राइट सर। तुम अंदर जा सकते हो। नमस्कार। नमस्कार, क्या खबर लाए हो खबरीलाल? आज के मुख्य समाचार ये है कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी का दिल्ली का एजेंट हथियारों की पेमेंट के लिए सोना और डॉलर्स लेकर आज रात शहर पहुंच रहा है। ऐसे? हमारे दिल्ली के संवाददाता के अनुसार उसकी कार का नंबर है DL02770 और ऐसी आशा की जा रही है कि उसकी कार आज रात ठीक 12 बजे की सीमा में प्रवेश करेगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। पुलिस है, जल्दी चला। अगले सर, अपनी जान की कुछ तो परवाह किया करो। आप इन्हें तो सिखाए सब ट्रेनिंग कॉलेज में। आप जैसा एक जिंदा रहेगा हमारे जैसे हजारों तैयार होते रहेंगे। अरे आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जीवन लाल टंडेल, तुम्हारी सरकार किसके बलबूते पर बनी? आपकी प्रलयनाथ जी, आपके बलबूते पर। तुम होम मिनिस्टर किसके दम पर बने? आपकी मंजूरी के बिना इस राज्य में मिनिस्टर का पोर्टफोलियो कौन संभाल सकता है? ये सब आपकी ही कृपा है प्रलयनाथ जी। अच्छा, फिर वो खाकी वर्दी वाला रुद्र प्रताप चौहान इस खेत की मूली है?
उसने हमारा सोने चांदी का धंधा बंद करवा दिया। हमने गुस्से का घोट शराब में मिलाकर पी लिया। उसने हमारे जुए खाने, शराब के अड्डे, जिसमें फरोशी के धंधे, सब चौपट कर दिए। मैंने अपने गुस्से को आंखों के लाले में लाके डुबो दिया। ये सब तो मैंने बर्दाश्त कर ही लिया, मगर मेरी जिंदगी के आखिरी मकसद को नाकाम करने की उसकी कोई भी कोशिश अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे 24 घंटे के अंदर उसके ट्रांसफर चाहिए। क्षमा कीजिए प्रणयनाथ जी, ये कदाचित नहीं हो सकता। मैं हाई कमान से भी इस मामले में चर्चा कर चुका हूं। रुद्र प्रताप का ट्रांसफर असंभव है। जो संभव होता है उसे हम जैसे सत्यवादी पुलिस ऑफिसर की मदद से गुंडा स्वामी आप संभव कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब है रुद्र प्रताप की मौत। मगर तुम तो आज तक यही बकते आए हो कि ना ही कहीं वो अकेला जाता है और ना ही नहीं आता। मगर अब ये भी बकता हूं कि वो एक जगह अकेला भी जाता है और निहत्ता भी। या! 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 अरे लगाम खेचो खेचो खेचो, हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अरे वाह बेटा वाह, अब तुम परफेक्ट राइडर हो गए हो। चलो रेस लगाते हैं, मैं तुम्हें आधे रास्ते का हैंडीकैप देता हूँ। तुम आधा रास्ता पहुंचोगे, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। चलो दादा। ये तुम्हें क्या हो गया पापा? पापा, 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 पापा। मगर स्वामी जी, ये छोटी बात नहीं है। किसी दिन अगर उसने आपको पहचान लिया तो? गोटिया, जिस दिन उसकी आंखें मुझे पहचान लेगी उसी दिन उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी,
लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिल नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में टीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे। ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है, इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है, इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है, बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। आप सब अच्छी तरह से सुन ले कि आज की इस मीटिंग के बाद मैं इस मामले में और कोई मीटिंग नहीं बुलाऊंगा। आज हमें इसी वक्त एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिससे कि हम देशद्रोहियों को जड़ से ही उखाड़कर फेंक सके। सर, बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के बस के बाहर है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर, मिलिट्री फोर्स। मिस्टर मेनन, आपकी क्या राय है? सर, मिस्टर सिन्हा ठीक कह रहे हैं। सर, इसके लिए हमें पूरी मिलिट्री फोर्स भेजने की जरूरत नहीं, ये काम एक ऑफिसर सिर्फ अकेला ही कर सकता है। सिर्फ एक? यस सर, सिर्फ एक। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स को उस पर नाज है। उसने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, इसलिए उसे वन मैन आर्मी कहा जाता है। कौन है वो? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। 1962 की जंग में मेजर सूर्यदेव सिंह ने दुश्मनों के कई हवाई जहाज अपने कभी न खाली जाने वाले तेज निशाने से मार गिराए। उनकी इस दिलेरी और बहादुरी की कद्र करते हुए सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उसी के साथ मेजर से ब्रिगेडियर बना दिया। ऐसी ही बहादुरी और जांबाजी उन्होंने 1965 की जंग में भी कर दिखाई। टैंक युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आगे ही बढ़ते चले गए। खुद अकेले ही मशीन गन लेकर दुश्मन के खेमे में घुस गए और दुश्मनों की चार चौकियों पर तिरंगा लहरा दिया। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बढ़कर दिलेरी और बहादुरी उन्होंने 1971 की जंग में भी कर दिखाई और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्यवादी दुबे, दोगले के औलाद, एक कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तितमारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? ढूंढ लो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो।
ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। हेलो इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले स्पीकिंग। सर, डीएसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी। फिर इंस्पेक्टर वागले, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स की फाइल्स देखने के बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने सिर्फ तुम्हें चुना है। सर, अब तुम दोनों को मिलकर काम करना है, लेकिन तुम पूरब हो तो वो पश्चिम है, इसलिए सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के साथ मिलकर जो भी खेल खेलना, शांति और ठंडे दिमाग से खेलना। सर, बड़े प्यार से खेलते हैं आप। असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत। तो फिर प्रलयनाथ को छोड़ क्यों दिया? क्या उससे गले मिलने गए थे? गले मिलने गए थे, उसके गले का माप लेने गए थे कि वो फंदे की मौत मरेगा या हमारे पंजे की। वागले, गर्म जोशी अच्छी चीज है लेकिन हमेशा काम नहीं आती। तुमने तो देखा ही होगा, इसी गर्मजोशी की वजह से तुम कई बार सस्पेंड हो चुके हो। नौकरी की परवाह है किसको? यहां है कौन अपने पीछे रोने वाला? इस ईमानदारी की वजह से बहुत कुछ भुगता है, कोई तकरार नहीं है सर, लेकिन ये गुनाहगार कानून को हाथ में लिए फिरते हैं और मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकता। अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात उसके बाद मुलाकात। भाई वागले, अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात फिर बात और फिर अगर जरूरत पड़े तो लात। बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन अब पता चला आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप नरम खून के, मैं गर्म खून का, हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। वागले, तुमने समझा कि जिंदगी में सिर्फ तुमने ही बहुत कुछ खोया है। इस इंसान को देखो, जब चाहता ये घर बसा सकता था, लेकिन नहीं, इस अकेली जान को हमने अपने देश के लिए उठा रखा है। दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग है। नहीं वागले, हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है। और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। इस दुनिया में हमारा कौन है?
कोई भी नहीं सवाए फर्ज के। अगर फर्क है तो उसे सोचने के ढंग में और काम करने के तरीके में। अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन आप इस तरह खुलेआम गाड़ी में घूम रहे हैं, ये खतरा मैं उठा नहीं सकता। जिस गाड़ी में तुम बैठे हो ये मामूली गाड़ी नहीं। मामूली गाड़ी मामूली आदमियों के लिए होती है, ये गैर मामूली गाड़ी है, एक गैर मामूली इंसान के लिए। बुलेट प्रूफ, और इसमें ऐसे ऐसे गैजेट लगे हुए हैं जो बम से लेकर पटाखे तक की खबर में मिल जाती है। लेकिन इस वक्त हम जा कहां रहे सर? गाड़ी रुकने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। वागले, यह हमारा घर है। यहां तो सिर्फ चारों तरफ जंगली जंगल नजर आ रहा है, रहने की तो कोई जगह ही नजर नहीं आ रही। अभी नजर आ जाएगा बहादुर। ऐसा बंकर है जिसका आता पता सिर्फ हमें या एक हमारे खास आदमी खबरी लाल को है, और आज से तुम्हें होगा। ये इतना मजबूत है कि इस पर ना तो कोई हवाई हमले का असर हो सकता है और ना किसी बम या बारूद का। दुश्मन तो क्या, हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वागले आओ, अब हम तुम्हें अपने बंकर से वाकिफ करवाएं। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन। यहां से हम हिंदुस्तान के किसी भी मिनिस्टर से जब जी चाहे हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं, लेकिन आसमान वाले ने चाहा तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही तुम्हारे साथ वागले सब कुछ संभाल लेंगे। और वो देखो, वो एक कमरा जिसमें सब हथियार रखे हुए हैं, और उस कोने में रहा हमारा अस्पताल। यहां हर लाए दुश्मन का सीटी स्कैन करके उसकी अंदरूनी बीमारियों को बाहर निकाला जाता है। मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब, मैं सच कहता हूं, मैं प्रलयनाथ के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब। और छोड़ तो तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन तुम मोटे बहुत हो, थोड़ी चर्बी कम होने के बाद। यह अस्पताल मेरे हवाले कर दीजिए सर, चर्बी कम करने के बहुत से तरीके मुझे मालूम। हाँ, गुड वागले। नमस्कार सर, मैं खबरी लाल बोल रहा हूँ। ओ खबरी लाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी खाने वाले चमगादड़ के खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरी लाल? शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। शोभे गंगवा, ये माल जो तू आसाम और यूपी भेज रहा है तगड़ा है ना? तगड़ा क्या सरकार, ये नंबर वन फसल है, नंबर वन। अरे 25 मीटर दूरी पर जाती हुई गाड़ी को ये ऐसे उड़ाता है। देखा सरकार, ये अपनी बम फैक्ट्री में बना हुआ मैंगो का कमाल। यूपी और असम में आतंक फैलाने के लिए ये माल तो ठीक है, पर मुझे वो माल बता जो ब्रिगेडियर सूर्य देव सिंह को उसकी गाड़ी के साथ जलाकर उसे राख कर दे। वो भी तैयार है सरकार। ये देखिए छोटा सा हाफुस जो 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरते ही ऐसा फटता है कि मरने वाले की हड्डियों का सुरमा बन जाता है। ये देखिए,
कौन हो तुम? लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना कि जहां तुम खड़े हो उस पेड़ से लेकर मैंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा रखी हैं। अगर इसके अंदर तुमने पैर रखने की भी कोशिश की तो तुम्हारे चीचड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखो। लाल टंडेल, प्रलयनाथ को इतना बेवकूफ मत समझो। सारे शहर के पुलिस स्टेशन से पता लगाकर ही तुम्हें फोन किया है। अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे मैं जानते हो, बब्बन और उसके साथियों ने जबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस डीसीपी पठानिया स्पीकिंग। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो, मैं जीवन लाल बोल रहा हूँ, जीवन लाल टंडेल। ओ सर, आप कहिए क्या हुकुम है सर? मुझे सिर्फ एक घंटे में ये बताओ कि सूर्यदेव सिंह ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है वो सब कहाँ हैं, और मुझे चार घंटे के अंदर अंदर उन सब की जमानत चाहिए, समझे? मगर सर, सूर्यदेव सिंह के बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी हमारे डिपार्टमेंट को, और हम उससे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाईकमान का ऑर्डर है। वो रहता कहाँ है? वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहाँ है, मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूँ। सर वो रोज सुबह सीबीआई ऑफिस में 12 और 1 के बीच में आते हैं सर। सर ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें आपसे मिलना है। सर मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। टंडेल का नाम है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना एक एक मिनट दूसरों को दे चुके हैं, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो, इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूँ वो हमारी खाता है या हम उसकी। इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहां से आ गई? तो ये है ब्रिगेडियर, आप यहां अचानक आ पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं, कुर्सी मिलने पर ये समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये ना समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ यह इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना, आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए
कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता, और जहां तक हमारा ताल्लुक है हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। रियली? ओए, हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में बात समझो, हिंदी में। तुम ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ हैं? पिताजी, अंकल तो ऊपर बैठे हुए हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। राधा, तुम्हारे पिताजी बड़े उखड़े हुए लगते हैं, लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द मिनिस्ट्री। अरे रॉन्ग हो या राइट, यही समझना होता तो मैं भी तुम्हारी तरह खादी के कपड़े पहन लेता। अरे सरकारी लेटर से मुझे क्या लेना देना? देखो तुम अभी से इतने ढीले पड़ जाओगे तो पूरी सरकार को भारतवर्ष से कैसे खत्म करोगे? वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर है और हमें पूरी मिलिट्री फोर्स के साथ लड़ना है। भूल जाओ सारी बातें और फाड़ दो वो लेटर। देखो उसका ट्रांसफर ना हो तो ना सही, उसकी बातें हमें पता न चले तो न सही, लेकिन उसकी मौत का बंदोबस्त तो मैं कर सकता हूं। प्रलयनाथ, वो मर गया तो ये नेता भी कुर्सी समेत जल गया, समझो। वो मरेगा भी और तुम कुर्सी के साथ जियोगे भी। अब किसके बारे जलर साहब? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की। मारे जाने वाले पुलिस के उन शहीदों की याद में ये ज्योत बनाई गई है जिन्होंने कानून की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री जीवनलाल टंडेल हैं। और इस ज्योत का उद्घाटन एक महान योद्धा परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के हाथों से होगा। वेलकम वेलकम, प्लीज। सर, आपकी एक गलती से कितनी जाने गई, इसका जवाब कौन देगा ब्रिगेडियर साहब? मिस्टर तिवारी, इसका जवाब अब ब्रिगेडियर को ही देना होगा और वो भी अदालत में। योर ऑनर, शहीद स्मारक पर हुए गोलीकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। इन्हीं के कहने पर गोली चलाई गई जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस हादसे को साबित कर देंगे। सबसे पहले मेरे गवाह हैं म्युनिसिपल काउंसलर मिस्टर एम के तिवारी। सर,
योर ऑनर, अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, अदालत ने आपके खिलाफ सारे बयान सुने, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है? हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है? आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कसमों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए? जज साहब, अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? ये अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई, इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है। हमारी मीटिंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। सूर्यदेव सिंह को आप जेल के तहखाने में मिल सकते हैं। गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला है, इसलिए हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी के अलावा और कोई नहीं जाएगा। राइट सर, दिस वे प्लीज। आप इधर उधर देखने की तकलीफ मत उठाइए मंत्री साहब, हम देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। यहां दीवारें तो हैं लेकिन इनके कान नहीं। आपका वागले से अलग हो जाना, वागले का भरी अदालत में आपके खिलाफ बयान देना, आपका गिरफ्तार होना, भाई ये सब मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया। इसलिए तो आपको हमने याद किया है, और जब कभी जरूरी समझा जाता है तो इंस्पेक्टर वागले इसी तरह भेस बदल कर हमसे मिलने यहां आते रहते। सर,
ब्रिगेडियर साहब का हमसे अलग होना, जेल में आ जाना, इससे दुश्मन हमें कमजोर समझकर लापरवाह हो जाएंगे और उनकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उनकी जड़ें आसानी से काट सकते हैं। हम जिन जरायम की तलाश में हैं उसकी कुछ जड़ें इस जेल की चार दीवारी में भी पैवस्त हैं, उन्हें ढूंढकर निकालकर हमें खोदना होगा। और मंत्री साहब, आपसे खास बात यह कहना थी कि हमारी गैर हाजिरी में इंस्पेक्टर वागले आपसे हॉटलाइन पर बातचीत किया करेंगे, ये जब कभी भी आपसे कहें आप हमारे लिए रिहाई के ऑर्डर भिजवा दीजिएगा। ठीक है, आप जब चाहेंगे आपकी रिहाई के ऑर्डर्स भिजवा दिए जाएंगे। नमस्कार। चीयर्स। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो प्रलयनाथ। नया साल तुम्हें मुबारक और सूर्यदेव सिंह का जेल जाना मुझे मुबारक। राधा बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही? नजर तो तुम्हारा बेटा रसिक नाथ भी नहीं आ रहा। अरे भाई, इन नौजवान लोगों का हम बूढ़ों से क्या मतलब, मना रहे होंगे कहीं नया साल अपने जवान दोस्तों के साथ।
प्लीज रसिक, ऐसा मत करो ना। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो नए साल का सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा मेरी जान। रसिक, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ? यानी प्रेग्नेंट? अनीता, तुम? हाँ मैं। कह दो इसे भी, प्रेगनेंसी में परेशानी क्या है, करवा लो अबोशन, शादी बाद में कर लेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं। क्यों, यही कहा था ना तुमने मुझसे, और न जाने किस किस से कहा होगा। अनीता, अनीता कब तक तुम मुझे यूं ही ब्लैकमेल करती रहोगी? राधा, राधा ये सब तुमसे झूठ बोल रही है, ये मुझे बदनाम करना चाहती है। इसकी बातों में मत आना तुम, मैं भी तुम्हारी तरह इसकी भोली भाली बातों में आकर इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे की माँ? अरे ना जाने किस किस का पाप अपने पेट में पालकर तू मुझे उसका पाप बना रही है। रसिकनाथ, जिसका पाप मेरे पेट में है उसे पापी का अंत करने आई हूँ। ये तुमने क्या किया रसिक? तुमने इसे मार डाला? तो और क्या करता, हजारों औरतें जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी। आज मैंने तुम्हारी सही शक्ल देख ली है रसिकनाथ, अगर ये एक बाजारू औरत थी तो तुम भी एक बाजारू कुत्ते हो जो जगह जगह मुंह मारते फिरते हो। मैं आज तुम्हारा भांडा फोड़ कर रहूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। सॉरी, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो तेरा भी यही आशा कर दूंगा, समझे? पुलिस को बताएगी, जिंदा रहेगी तो पुलिस को बताएगी ना, ना रहे पास ना बचेगी बसरी। मैं तुझे खत्म कर दूंगा कमीनी। तो पीने का मजा ही नहीं आता। चीयर्स। अरे क्या हुआ? अबे सामने देख, लड़की की लाश। अरे नहीं यार, ये भी कोई हमारी तरह नशे और मस्ती में चूर लगती है। चलो उसे और पिलाते हैं, अपना भी नया साल सुधर जाए। अबे नया साल सुधारने के बच्चे, अगर लफड़े में फंस गए ना तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। हमें क्या मालूम वो जिंदा है या मुर्दा। क्यों संजू? कुछ भी हुआ लोग, मगर इंसानियत के नाते उसे देखना हमारा फर्ज है। चलो चलो देखते हैं। मुझे मत मारो प्लीज। भगवान के लिए मुझे मत मारो। अरे ये तो फिर से बेहोश हो गई, लगता है किसी ने इसे बहुत मारा है। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब। यस, क्या बात है? डॉक्टर साहब ये लड़की बहुत सीरियस है, आप बचा लीजिए प्लीज। लड़की? कहाँ लड़की? कौन है ये? हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते तो इसे लेके क्यों आए हो, कहां से लाए हो? बीच से, ये हमें बीच पर बेहोशी की हालत में मिली थी। बेहोशी की हालत में? इसकी हालत तुम लोगों ने इसके साथ 31st night मना के तो नहीं किए ना? हम लोगों ने? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा तुम लोगों ने, मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था। मगर नहीं यार, चुप रह तू,
डरता क्यों है? डॉक्टर साहब, ये वक्त इधर उधर की बातों का नहीं है। हम पर भरोसा कीजिए और जल्दी से इलाज कीजिए। बातों से समझदार मालूम होते और मुंह से शराब की बदबू भी आ रही है। लेकिन भाई मेरे, ये मामला तो पुलिस का है। पुलिस? हाँ। मगर पुलिस क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि इस तरह के केसेस पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं। मैं इंस्पेक्टर को अभी बुलाता हूँ, इंस्पेक्टर नीचे बैठा है। डॉक्टर साहब, संजय आप लोग बैठिए। इंस्पेक्टर कहाँ गए वो लोग? साहब हम लोगों को मार के वो दोनों भाग गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब पता नहीं, वो तीन लड़के इस लड़की को बेहोशी की हालत में यहाँ लाए, मैं आपको बुलाने गया, इतने में भाग गए। भाग गए? अरे जल्दी कर। सर, ये है उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। रेप केस है? नो सर, लड़की के पेट में 2 महीने का बच्चा है। लड़की को होश आया? नो सर। उसका कुछ अता पता? अब तो उसके होश में आने के बाद ही पता लगेगा कि वो कौन है और उसके पेट में बच्चा किसका है। अरे बेटे, अंग्रेजी को मार गोली और हिंदी में समझा, क्या बात है? जगश्री, पिताश्री मेरे परलोक सुधारने का प्रबंध कर रहे हैं। अरे तुम, वो मेरी हत्या कर। तुम जैसी कमीने औलाद को मार डालना ही बेहतर होगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता। प्रलयनाथ, तुम बीच में मत बोलो। जीवनलाल, इस कमीने ने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मैं इसे जान से मार। बात क्या है, क्या किया है इसने? ये बात तुम मुझसे पूछो तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, शांति करो। बेटे रसिक, चलो उठो, बताओ क्या बात है? हैं? अंकल, अंकल मैं। हाँ हाँ बोलो, डरो मत। अंकल मैं एक लड़की से मोहब्बत करते हो? यही ना? हाँ। तुम भी कमाल करते हो प्रलयनाथ, बेटे की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसे मारने पर तो लाए। अरे मोहब्बत करना तो आजकल के नौजवानों का फैशन है। बात यह नहीं है जीवनलाल, सच तो यह है कि इसकी मोहब्बत के चक्कर में वो लड़की इसके बच्चे की मां बनने वाली। ओहो, तो इसमें कौन सी नई बात है? करवा दो शादी, और अगर लड़की अपने बराबर की नहीं है तो करवा दो एबॉर्शन। मगर जीवनलाल बात यह है। अरे यार, ऐसे मामले में बात बात कुछ नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर वो लड़की नहीं मानती तो पैसे वैसे देकर अपनी जान छुड़वा लो, और अगर फिर भी नहीं मानती तो तुम्हारे लिए किसी की जान लेना कौन सी नई बात है? प्रलयनाथ, तुम तो खामखा उस लड़की के लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो। दरअसल बात यह है जीवनलाल, कि वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। सारी चीजें दर्ज कर ली? जी साहब। और हाँ, इस डेड बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम। साहब ये पर्स मिला है। संजय आर जॉन, मेरा पर्स बीच पर या अस्पताल में गिरा है। अगर वो पुलिस को मिल गया तो कहीं हम फंस ना जाए। नहीं यार, अरे जब हम लोगों ने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो हम फंस क्यों जाएंगे? अरे मैंने पहले ही कहा था कि इस चक्कर में मत पड़ो, उल्टे फंसेंगे। लेकिन मेरी सुनी किसने थी? मैं कहती हूँ, डर डर के कब तक ये बात सबसे छुपाते रहोगे? चलो माँ जी को सब सच बता देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम शक की बुनियाद पे आपके बेटे संजय और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? क्यों, क्या जुर्म किया है उन तीनों ने? ये आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। वाह गोटिया वाह, क्या खुशखबरी लाया है। डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा पुलिस के फंदे में। बाप ईमानदारी की मौत मर गया, अब बेटा कानून की मौत मरेगा। गोटिया आप देखना,
मैं इस चश्मदीद गवाह को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी आंखें मुझे पहचानने से पहले ही बंद हो जाएगी। तुम उस डॉक्टर को खरीद लो और रिपोर्ट तैयार करवाओ जो मैं चाहता हूं। यह समय सोचने का नहीं है बेटी, यह हम दोनों की जिंदगी और मौत का सवाल है। पिताजी, पुलिस पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी, किसका नाम लूंगी? पुलिस को तुम ये बताना कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। हाँ बेटी, बलात्कार। प्रलय नाग की प्रलय से बचने का ये एक ही तरीका है। तुम उन्हीं तीन लड़कों का नाम पुलिस को बता देना जिन्होंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया है। पिताजी, लगता है पापियों के साथ रहकर आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह हो गया है। आप ये कह रहे हैं मैं उन लड़कों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाई? नहीं पिताजी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। बेटी, इतिहास गवाह है, आदमी ने अपनी जान को बचाने के लिए अपने ही भाइयों की लाशों को कुचला है। ये दुनिया का नियम है बेटी। फिर वो तीनों हमारे लगते भी क्या हैं? अगर उन्हें फांसी लग भी गई तो हमारा क्या जाएगा? बेटी, उन लोगों की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती हमारी जिंदगी है। पुलिस को वही बताना जो मैंने तुम्हें कहा है। मगर गुप्ता जी, किसी के सपने पूरे करने के लिए किसी के अरमानों का गला तो नहीं घोटना चाहिए, ये पाप है। राधा तो प्रेग्नेंट है और आपने पैसे के लिए उसके बलात्कार की गलत रिपोर्ट तैयार कर दी। तुम मेरे सीनियर हो या मैं तुम्हारा सीनियर, पेशे का सबक मुझे मत सिखाओ, समझे? सीनियर और जूनियर का मतलब ये तो नहीं सर कि आप कुछ भी करें और मैं चुपचाप देखता रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपकी गलत रिपोर्ट पर हरगिज साइन नहीं करूंगा जो उन तीन निर्दोषों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। डॉक्टर सिन्हा, आज से 5 साल पहले डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसी तरह की गलत रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। गुंडा स्वामी के आदमियों ने उसे 6वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और पुलिस ने उसकी मौत को आत्महत्या समझकर उसकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। अगर तुम भी उसी राह पर चलना चाहते हो तो एज यू विश। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं कहती हूँ ये कहाँ का न्याय है, कैसा कानून है जो 3 मासूमों को सोचे समझे बिना हवालात में बंद कर दिया? मैं पूछती हूँ क्या हो गया है इस देश के कानून को? अगर पुलिस वाले इस तरह पुलिस स्टेशन में सोते रहे तो निर्दोष लोग जेल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उठो! कौन तुम? नींद की गोली खाकर सोया है या गांजे की? दिखता नहीं क्या? लड़की हूँ मैं, आलोक की बहन, जिसे तुम्हारे कोई बहादुर इंस्पेक्टर ने बलात्कार के जुर्म में पकड़ा है। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सलाम साहब। साहब? अच्छा, तो आप ही है वो साहब। मैं पूछती हूँ तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनहगार को निर्दोष और निर्दोष को गुनहगार समझ लेते हैं? सुना था कानून अंधा होता है, मगर तुम्हें तो भगवान ने एक नहीं दो दो आंखें दी है और वो भी चील की तरह मोटी मोटी। क्या वो तीनों तुमको किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं? अरे मेरा भाई आलोक, वो तो किसी लड़की से बात करते हुए भी कांपता है, वो किसी पे बलात्कार क्या करेगा खाक? वागले बेटे, ये तो लाल मिर्च है तीखी तीखी। हाथ लगाओ तो हाथ चले, मुंह लगाओ तो मुंह चले, दिल लगाओ तो दिल चले। ये तेरी बीवी बनने के लायक है। अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन तेरे जैसे तीखी पहली बार देखी। क्या तीखी, क्या नाम है तुम्हारा? शांति, 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 शांति। वाह, क्या कमाल का नाम रखा है चुन के माँ बाप ने, शांति, जो इस देवी के चेहरे और जुबान से शहद की तरह टपक रही है। हंस क्या रहे हो दांत निकाल कर? मुझे अपने भाइयों से मिलना है। हवलदार, मिलने दो इसे। साहब, उन तीनों को अस्पताल ले गए शिनाख्त के लिए। संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान, यही वो 3 लड़के हैं जो आपको अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे। क्या इन्होंने आपके साथ बलात्कार किया? Thank you.
ये सरासर झूठ है। हमने कोई बलात्कार नहीं किया। सच कह रहा है मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठी है, झूठी है ये। तुम लड़की नहीं, लड़के के नाम पर एक कलंक हो। अरे जरा इन मासूम चेहरों को देखो, जिन पर तुमने मौत की स्याही पोंछ दी है। इनकी सहमी हुई आंखों को देखो, जिनमें तुमने मौत की दहशत भर दी है। और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था? इंस्पेक्टर, कौन है ये औरत? इसे बाहर ले जाओ। हवलदार, पकड़ लो इसको। खबरदार, अगर किसी ने भाभी को हाथ लगाया तो। इंस्पेक्टर फादले, आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान की पत्नी है। याद है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान, जिनके अंतिम संस्कार पर आपने लंबा चौड़ा भाषण झाड़ दिया था, जो आज भी हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आदर्श है, उनकी पत्नी है। तो ये भी किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है, ये इस राज्य के मंत्री जीवन लाल टंडेल की बेटी है। और जानते हो इन तीनों ने इसके साथ क्या नर्क किया है? कुछ नहीं किया। ये किसी की साजिश है जिसमें इन तीनों को फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। हरिप्रसाद स्पीकिंग। जज साहब, मैं प्रलयनाथ गुंडा स्वामी बोल रहा हूं। योर ऑनर, डांसर मिस अनीता चौधरी की लाश का समुद्र के उसी किनारे से मिलना और उसी जगह से राधा टंडेल के कपड़े और सैंडलों का मिलना, इंस्पेक्टर वागले को मिली हुई गोली और अनीता चौधरी के पेट से निकली हुई गोलियों का एक ही रिवॉल्वर से चला होना और उस रिवॉल्वर पर किसी और की उंगलियों के निशान होना, यह साबित करता है कि इस केस में किसी और का भी हाथ हो सकता है। इसलिए जब तक ये बातें खुलकर अदालत के सामने नहीं आती, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन तीनों की जमानत मंजूर कर ली जाए। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि इस केस में किसी और का हाथ भी हो सकता है। लेकिन ये बात कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त भूल गए कि अनिता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स भी मिला है। योर ऑनर, मिस राधा टंडेल जिनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने अस्पताल में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इन तीनों की शनाख्त की है। योर ऑनर, इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता की रिपोर्ट मौजूद है। इन तमाम बातों से जाहिर है योर ऑनर कि रेप और मर्डर इन्हीं तीनों ने एक साथ मिलकर किया है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इनकी जमानत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जाए। सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान की जमानत नामंजूर करती है और इन्हें पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले, इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? यह तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला
हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर बागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। नहीं यार, इस तरह तो हिम्मत हार के हम बिना फांसी के ही मर जाएंगे। ये क्या हो गया तुम दोनों को यार? अली, सोचता हूं मेरी बहन शांति पर क्या बीत रही होगी। मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। लोगों के घर में काम कर करके अपने हाथों पे मेहंदी की जगह छाले डाल लिए उसने। आलोक, तुम्हारी तो वो सिर्फ बहन है, मगर मेरे लिए वो बहन भी है और मां भी है। अगर बचपन से ही उसका प्यार मुझे ना मिला होता तो शायद ये अनाथ सड़कों पर ही अपना दम तोड़ देता। मेरी मां पर भी क्या बीत रही होगी, वो तो रो रो कर पागल हो गई होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका भरोसा भगवान पर से भी उठ जाएगा। तुम इन तीन लड़कों के केस में कहां उलझ गए? हो सकता है इन बच्चों का केस महज इत्तेफाकी हो। इत्तेफाक नहीं है सर। ये कड़ियां भले ही अलग अलग नजर आ रही हो, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, जिसमें एक न एक दिन जीवनलाल टंडेल, रसिकनाथ और गुंडास्वामी की कलाइयां फंसेंगी। ये इत्तेफाक नहीं है सर, इत्तेफाक नहीं है। हेलो सर, मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं जेलर। तुम वहां से कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनो, क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्यदेव सिंह आया है तुम्हारे दीवारों के भी कान हो गए हैं। मुझे वागले और उसकी मीटिंग का पता चल चुका है। वो तीन लौंडों के केस की सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचे, उसके पहले उसकी सीढ़ी के हर डंडे को काटकर फेंक दूंगा मैं। सुनो जी, मुन्ना और उसके खतरनाक खूनी साथियों को आज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो और उनको समझा दो। पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों लड़कों का बिल आत्महत्या के नाम पर फाड़ दे। टेलीफोन का वायर काट दो, अब इसे बांध दो। डरो मत, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं। Come on, Sanju!
क्या बकते हो? किसने बताया तुम्हें? कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहां किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे, तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए, और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी, याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले, इसके भी कपड़े उतार डालो। के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले 3 बार, होश में आने के बाद 3 बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा। साथियों, तुम लोगों को शायद यह मालूम नहीं, यह प्राइवेट और इमरजेंसी मीटिंग मैंने क्यों बुलवाई? इसलिए कि सूर्यदेव सिंह जेल से छूट चुका है और अब वो खतरा बनकर हम सबके सर पर मंडरा रहा है। मगर 1 साल से पहले वो छूट कैसे गया? उसका जेल जाना एक नाटक था कादर। उसने जेलर और हमारे चारों खूंखार कातिलों को गिरफ्तार करके किसी ऐसी जगह छुपा दिया है कि जिसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को तो क्या, मुझे भी मालूम नहीं। जीवनलाल, मेरे 4-5 आदमियों को गिरफ्तार करके अगर वो मुझ तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा है तो उसका ये ख्वाब मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। अब सूर्यदेव सिंह नाम का बिल फाड़ना ही पड़ेगा। मगर अगर मगर कुछ नहीं चलेगा जीवनलाल। अब 15 अगस्त को ज्यादा दिन नहीं है। जानते हो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़े से बड़े चैलेंज के साथ टकराने का प्रलयनाथ को शौक है। तुम तुम्हारी मिनिस्ट्री संभालो, सूर्यदेव सिंह को आज से मैं संभालूंगा। We'll be right back.
ड्राइवर, गाड़ी को फौरन किसी गटर के ढक्कन पर खड़ा करो, इसमें बम लगाया जा चुका है। यस सर। बहादुर, काला बटन खींचो। चीयर्स। पियो, आज जी भर कर पी लो। स्वामी जी, ये सुखद समाचार टीवी पर भी तो सुन ले। हाँ, ऑन करो। आज सदन के दोनों पक्षों ने इस हत्याकांड की तीव्र आलोचना की। इस हत्याकांड के षड्यंत्र के बारे में हमारी विशेष संवाददाता मोना अलवी की एक रिपोर्ट। आज दोपहर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने विशेष दस्ते के साथ भोजन के लिए रवाना हुए। अचानक उन्हें अपनी कार में सिग्नल सुनाई दिया, जो कार में बॉम्ब रखे जाने का संकेत देता है। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गाड़ी एक गटर के ढक्कन पर रुकवाई और अपने विशेष दस्ते के ब्लैक कमांडो से ये काला बटन खींचने को कहा। इससे गाड़ी के नीचे का हिस्सा साइड में खिसक गया और धमाके से पहले ही ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने आदमियों के साथ ही भूमिगत हो गए। तो इस तरह उन्होंने अपनी समझदारी और बहादुरी से अपनी और अपने आदमियों की जान बचाई। तो आइए आज हम ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से आपका साक्षात्कार कराएं। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि इस साजिश में किसका हाथ है? हाथ होता तो कभी का काट चुके होते हम। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इन देशद्रोहियों ने आप पर हमला क्यों किया? जाहिर है कि हमें जीवन दान देने के लिए नहीं, हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। हेलो, ज्यादा आगे पार कर हमारा न्यूज देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है। हेलो हेलो, तुम फोन कहाँ से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो। हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी बहका ना कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले! सर, ये क्या है? इतनी देर से गाड़ी चली जा रही है, आप खामोश बैठे हैं, बता नहीं रहे हम कहां जा रहे हैं, कौन से मिशन पे जा रहे हैं? मिशन है हमारा जन्मदिन। अरे, हमारी राजपूताना रेजिमेंट हमसे बहुत प्यार करती है वागले, और वहां के कुछ जूनियर और सीनियर अफसर मिलकर हमारे जन्मदिन को बड़े शौक से मनाते हैं। वो रेजिमेंट कहीं भी हो, हमें वहां जाना होता है, और साल में एक दिन जिंदगी के गम और फर्ज भुलाकर उस रात हम नाचते हैं, गाते हैं और सरूर में झूमते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन सर, मैंने आज तक इस बला को मुंह से नहीं लगाया। हाँ वागले, लेकिन आज हमारे साथ पहली बार तुम इस बला को मुंह से लगाओगे और चूमोगे भी, और फिर हमारे साथ गाओगे, नाचोगे। सर, नाचने गाने की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं मैं पी के लुढ़क गया तो? अरे वागले, ये कंधे किस लिए हैं? तुम कम हो न हम कम है, जानी?
यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। ये रईसी है खानदानी, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, बाकी दुनिया है दुनिया है बेमानी, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। में मिले तो लगे जवानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी, जवानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी, जवानी जैसे। चाल तेरी है क्या मस्तानी, चाल तेरी है क्या मस्तानी, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। अरे तू काहे को उछल रही है? जब किधर
दर्जी सीने को भूल गया था। आहिस्ता आहिस्ता अरे हंस क्या रहे हो? ये कोई घर आने का वक्त है? वो क्या बात है कि शांति, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। भूल गए, आज तुमने कहा था कि घर से खाना बना कर लाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, और आ रहे हो अब? वो बात है, हमने जानी है ना, जानी। ये क्या, तुमने दारू पी रखी है? तुम दारू भी पीते हो? बात यह है कि शांति, अरे तेरे झुमके कितने मोटे, खबरदार अगर मुझे छुआ तो। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा नीला। अरे नीला ब्लाउज, ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ शांति। शांति शांति, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है, इन्हें गलत जगह मत उठाओ, मैले हो जाएंगे। अच्छा, तो तुमने जागते हुए कोई ख्वाब देखा? कहीं ये तो नहीं देखा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम्हें कैसे मालूम? पहले ये बताओ, इतना सज धज कर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से खाना लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे झुमके छोटे हो। ये क्या, तुमने शराब पी रखी है? शराब पीने वालों से मुझे सख्त नफरत है। खाना नहीं खाया हो तो खा लेना, मैं चलती हूँ। शांति शांति, तू नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। मैं कभी शराब नहीं पीता। वो ब्रिगेडियर साहब है ना, उन्होंने पहले मुझे कसम खिलाई, फिर शराब पिलाई। मैं कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, दोबारा नहीं। हेलो, इधर तू बचता है, उधर वो बचती है। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलो खबरीलाल, क्या समाचार है? दोस्त दोस्त, आज रात के खास समाचार ये हैं कि प्रोफेसर रंगास्वामी का अपहरण बंद नहीं किया है, और हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार आपके ऊपर किसी भी समय दुश्मनों का जानलेवा हमला होने की संभावना। हेलो, खबरीलाल के अंतिम समाचार समाप्त हुए। हेलो हेलो, पांडू पांडू समझा क्या? मराठा है भाई। चल चल चल, खाना लगा, चल खाना लगा, चल। गुड गुड होते ¡Ah! 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 ¡Ah!
बता दो प्रोफेसर रंगास्वामी प्रलयनाथ के कब्जे में है। आखिर भवन ने मुंह खोल दिया। वन मिनट सर। सर दिल्ली से होम मिनिस्टर चौधरी आपसे बात करना चाहते हैं। हॉटलाइन पर बात कीजिए सर। नमस्कार मंत्री साहब। नमस्कार। देखिए कल एयर फ्रांस की फ्लाइट से प्रोफेसर खुराना फ्रांस से पहुंच रहे हैं। आपने उन्हें देखा भी है और उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। दुश्मन की नजर भी उन पर होगी, इसीलिए उन्हें एयरपोर्ट से रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है। कॉन्फिडेंशियल मामला तो मैं जान चुका हूं। ब्रिगेडियर आप देखना प्रोफेसर खुराना कहां पहुंचता है। मगर प्रलयनाथ ये नामुमकिन है। मंत्री होने के नाते तुम्हारे लिए ये काम बहुत आसान है जीवनलाल। तुम एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से से ब्रिगेडियर की आंखों में धूल झोंक कर उसे उठा सकते हो। मगर मैं तो प्रोफेसर को जानता तक नहीं और नहीं उसे देखा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने बॉब को खबर कर दी है। हमारा विदेशी एजेंट फ्रांस से ही प्रोफेसर खुराना का पीछा साय की तरह करेगा और वही तुम्हें एयरपोर्ट पर प्रोफेसर खुराना को तुम्हारे हवाले करेगा। राधा जब तक मैं तुम्हें दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचा देता यूं ही खामोशी से चलते रहना। एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कब गोली निकलकर तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार प्रोफेसर खुराना साहब। नमस्कार, मेरा नाम जीवनलाल टंडेल है, मैं इस राज्य का मंत्री हूं, आपका स्वागत करने आया हूं। प्रोफेसर तुम्हारे गले में जो मैंने हाथ डाला है उसमें बम लगा है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में है। सर आपने होशियारी दिखाई तो तुम्हारे जी थोड़े उड़ जाएंगे, समझे? खामोशी से मेरे साथ चलो। चलो आइए। वेलकम प्रोफेसर खुराना, वेलकम टू इंडिया। वाह जीवनलाल वाह, आज तुमने तो कमाल कर दिया प्रोफेसर खुराना। वो ब्रिगेडियर तो बेचारा एयरपोर्ट पर हाथ मलता ही रह गया और प्रोफेसर हमारे जाल में कबूतर की तरह फंस गया। ब्रिगेडियर शायद ये नहीं जानता कि प्रलयनाथ ऐसा शिकारी है जिसके हाथ से कभी कोई शिकार नहीं बचता। खोल दो इसे। हेलो। अंधे की हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो वो दरअसल तुम्हारा अपना ही एजेंट है जो फ्रांस से प्रोफेसर खुराना का साय की तरह पीछा करता आ रहा है, समझे? प्रोफेसर तो वहां पहुंच चुके।
जहां उन्हें जाना था। मुझे माफ कर देना प्रलयनाथ जी, मैं प्रोफेसर खुराना नहीं, आप ही का एजेंट हूं। मगर हवाई जहाज में ही ब्रिगेडियर के कमांडो ने मुझे मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने गन पॉइंट पर मुझे जीवन लाल तक पहुंचाया। मैंने वहां भी कहना चाहा, लेकिन इन्होंने बम वाला हार मेरे गले में डाल दिया। मैं कुछ कहता तो वही जान से मारा जाता। तुम वहां पर भी मारे जाते और यहां पर भी मारे जाओगे। मैंने विदेशी एजेंट को तो सजा दे दी है ब्रिगेडियर, मगर प्रलयनाथ से ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ? तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरह उतार लो ब्रिगेडियर। प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी, हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बेईमानी न मेरे खून में है न डॉक्टरी पेशे में। डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की। माथे पे आया हुआ पसीना पोछो और हमें राजा टंडेल की झूठी नहीं सच्ची रिपोर्ट की असलियत बताओ। झूठी रिपोर्ट? हाँ, जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूली सी प्रेगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बनाकर संजय उसके दोनों साथियों को हवालात में पहुंचा दिया। ये सब झूठ है, आपको किसी ने गलत बताया है। चिल्लाने से झूठ नहीं छुपता डॉक्टर गुप्ता, हमें पहचानो, हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, तुम तो फिलहाल जिंदा हो, सच सच कह डालो। आप समझते क्यों नहीं ब्रिगेडियर साहब, मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई और नहीं कोई रिश्वत ली है। फिर ये क्या है डैडी? ये देखिए, ये रुपए आपके कबड़ में थे डैडी। मैं समझी थी कि किसी को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाइयां लाए हैं, पर ब्रिगेडियर साहब की बात सुनकर जब मैंने इसको खोलकर देखा तब पता लगा कि मेरे पिता मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं कफन खरीदने के लिए रिश्वत का पैसा लाए हैं। संध्या। हाँ डैडी, जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा डॉक्टर, हराम के पैसे का रंग। जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे वही पैसा अब उसी बेटी का सुहाग छीन सकता है। अब भी वक्त है डॉक्टर, सब कुछ सच सच कह दो। ऑर्डर ऑर्डर। अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे जिससे सारी अदालत के सामने जाहिर होगा कि असलियत क्या है। जज साहब, मिस राधा टंडेल के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। सच्चाई यह है वो पेट से थी और उनका अबॉर्शन मैंने ही किया था। जज साहब, मैंने अपना जमीन बेच दिया था, मैं अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं बेटे जज साहब रिश्वत लेकर वो पिताजी छूटी रिपोर्ट वो
मैंने मैंने ही तैयार की थी। वो लड़के निर्दोष। पिताजी नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी 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 नहीं। राजन मेरे चश्मदीद गवाह और उसके दोस्तों की आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी। मैं चाहता हूं उन तीनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो, कल ही रक्षाबंधन के दिन। अरे शांति, यहां क्या कर रही है? राखी, हाँ आज नारली पूर्णिमा है ना। अरे ये राखी लेकिन मेरी तरफ क्यों आ रही है? बाजार में ये राखी किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? शादी करने की तो हिम्मत तुम्हें है नहीं, इससे अच्छा है कोई दूसरा हिम्मत वाला मर्द ढूंढ लूं और तुम्हें भाई बना लूं। लाओ इधर हाथ। नहीं, मैं तुम्हें भाई बना के रहूंगी। नहीं, राखी बांध देना। नहीं, बोला ना। नहीं, मेरे को राखी बांध दे। क्या करते तू? नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, वैसे भी तेरी रक्षा करूंगा। नहीं, अब लगता है तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है। अब तुम रोड पर भी ख्वाब देखने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तुम ख्वाब में कुछ भी देख सकते हो। अरे बाबा, ये राखियाँ मैंने अपने भाइयों के लिए खरीदी हैं, समझे? वेरी गुड। जानते हो राखी के धागे में कितनी ताकत होती है? नहीं यार, माँ सच कह रही है। भाई बहन के इस पाक बंधन को तुम लोग इतना कच्चा मत समझो। अरे इसके धागे में तो वो ताकत है जो सात समुद्र पार भी भाई की रक्षा करता है। ये सब कहने की बातें अली, सब कहने की बातें। मेरा तो भगवान पर से भी विश्वास उठ गया। और फिर ये तो एक राखी है, रेशम का तार है और कुछ भी नहीं। देखा, रुला दिया ना मेरी बहन को, और वो भी आज के दिन। इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। पहले मैं राखी बंधवाऊंगा। ये ना तुलती है, ये ना तुलती।
बेटे, अली बेटे, अली, आलोक जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। नहीं शांति नहीं, लगता, आज मेरे जाने का वक्त आ गया। नहीं, नहीं यार, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ यार, बहन, अपने इस भाई को आगे नहीं बांधूंगी। दरवाजे पे कुत्तों को भौंकने की इजाजत नहीं है। ये शेर की दहाड़ है, अगर नहीं सुनी तो आके फाड़ कर नीचे देख। इंस्पेक्टर वागले, तू अपने आप को समझता क्या है? तेरे जैसे पता नहीं कितनी खाकी वर्दी वाले हमारी घर की चौकीदारी करते हैं। नौकरी करता है 1500 रुपए की और बात करता है प्रलोनाथ से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलोनाथ। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अब चुप, एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे, चल चला। अब क्या सोच रहा है? चला गोली, अपनी मां का दूध पिया है तो चला गोली।
इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। तेरे जैसा बुजदिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? चला। पुलिस अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। प्रलयनाथ जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। अगले मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहें? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया, आज इस प्रलयनाथ के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ जाता। लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल था उंगलियों के निशान का, जो इस रिवॉल्वर पर मौजूद है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अनिता चौधरी का कातिल और राधा टंडेल से शरीर संबंध रखने वाला यही है रसिकनाथ। डीआईजी के बेटे संजय को फंसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्मदीद गवाह है। वागले, अब हम इसे उस अस्पताल में ले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपे हुए राज एक बीमारी की तरह बाहर आ जाएंगे। जो दुश्मन यहां बांधा गया समझो उसकी अर्थी उठ गई। हमारा ये हथियार आग उगलता है। जो कुछ हमने पूछा अगर उसका जवाब तुमने सच सच नहीं दिया तो ये हथियार तुम्हें जला डालेगा। मगर आप चाहते क्या है? प्रलयनाथ गिरना स्वामी तुम्हारा बाप है। हाँ जी हाँ जी। और अब वही इस देश को खत्म करने की तैयारियां कर रहा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है तो अंजाम देखो। नहीं नहीं, ये इस देश के भविष्य हैं। इन्हें मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम अकेले नहीं, फ्यूज कंडक्टर भी तुम्हारे साथ जाएंगे। डैडी ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे बचा लो डैडी, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रलयनाथ, वो रहा तुम्हारा कबूतर बेटा और उसके गले में है जला देने वाला बम। उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। काफी हो गया,
ये तमाशा बंद करो प्रलयनाथ। हाँ हाँ डैडी, आप वो ही करिए जो ये कहते हैं, वरना ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। क्या चाहते हो तुम? क्या मजेदार सवाल किया तुमने, समझे नहीं। प्रोफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कबूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ। ब्रिगेडियर, वो फ्यूज कंडक्टर, आप नहीं जानते? हम सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर, उसकी गाड़ी में हमारा ट्रांसमीटर लगाया जा चुका है। वो जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, जहां कहीं भी जाएगा, उसकी हर एक मूवमेंट की खबर हमें मिलती रहेगी। हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल बता रहा है कि गिंडा स्वामी का अड्डा वो ये रहा, ये से बाहर एक वीरान जगह पहाड़ियों के बीचों बीच है। कमांडोज रेडी फॉर ऑपरेशन तरंग। भड़वों से कह दो कि हथियार फेंक दे, जरा भी हरकत की तो छिछड़े उड़ा दूंगा। हथियार फेंक दो। हम तो समझे थे कि तुम जंग बाजों की तरह जंग लड़ोगे, लेकिन तुम तो एक घटिया किस्म के भगौड़े प्यादे निकले, अधूरे में ही हथियार डाल दिए। प्रलयनाथ, कभी कोई जंग अधूरी नहीं लड़ता। ब्रिगेडियर, देखना चाहते हो तो देखो। Thank you.
देखा हो अगले, अब हथियार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है। डाल दो हथियार। ब्रिगेडियर, हथियार नीचे डाल दो। भागले साहब, यही है मेरे पिताजी का कातिल, इसीने मेरे पिताजी का खून किया, यही है कातिल। भागले साहब, मत छोड़ना इसे। हाँ हाँ, मैं हूं तेरे पिता का कातिल, और आज तुम सबका कत्ल भी मेरे हाथों से ही होगा। भागले, तुम्हारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूं, वो देखो। खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, एक ही बटन दबाऊंगा सबको राख कर दूंगा। अगर देखना चाहते हो तो ये देखो। देखा ब्रिगेडियर, मेरी जंग की शुरुआत और इसकी इंतिया होगी तुम्हारी बर्बादी और हिंदुस्तान का खात्मा। हिंदुस्तान का खात्मा? हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की शक्ल की औकात ही क्या? मेरी औकात का पता तो तुम्हें आज ही चलेगा ब्रिगेडियर। मैं भी देखता हूं इन शेर के जबड़ों में कितने दांत हैं। नमस्कार शिवाजी राव वागले। आओ आओ हीड़े की औलादा, तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। वाह प्रणनाथ जी वाह, क्या खूब मिलाई है इन दो देशभक्तों की जोड़ी, जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे। कई शहीद होते आए हैं और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती माँ को बचाने के लिए। लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आप को ही नहीं अपनी माँ को भी दौलत की खातिर बेचते आए हैं, और उनका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा जिसे गिद्ध और चीले नोच नोच कर खा जाएंगे। नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। मैंने फैसला किया है, आज 15 अगस्त के दिन मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। आज वो दिन हमारे और तुम्हारे सामने है। ध्वजारोहण को अब सिर्फ 24 मिनट बाकी है, और 25वें मिनट में क्या होगा वो तुम सब अपनी आंखों से देखना। प्रलय वन आउट, रेडी फॉर टारगेट।
देखा ब्रिगेडियर, यह है मेरी जंग की शुरुआत। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा और इस देश की बर्बादी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। ये देखो, बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो दोनों कैबिन रिमोट कंट्रोल से उड़ा दूंगा। खबरदार, हिलो नहीं, भून कर रख दूंगा। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। जलकर राख कौन होगा, इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर। प्रलय वन स्टार्ट। लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसका टेक ऑफ कर दो। हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। भूम डालो इसे।
मैं शिवाजीराव बागले, मराठा। मराठा मरता है या मारता है, याद है मैंने तुझे एक दिन कहा था यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा। भाग रहे हो जानी? प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले मंत्री, ब्रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जैसा गद्दार और कहता है मुझे उसके बाद मुलाकात। नहीं वागले नहीं, पहले मुलाकात फिर बात और फिर जरूरत पड़े तो लाद।